गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में सुबह 5 बजे एक कमरे में धुआं आता देखा तो लोग चौंक गए। दरअसल गाजियाबाद साहिबाबाद में एक मकान के बेसमेंट में किताबों के गोदाम में आग लग गई थी। आग इतनी भयानक थी, लगभग लाखों की किताबें जलकर राख हो गई और बेसमेंट में भयंकर धुआं हो गया। जब लोग सुबह उठे और मॉर्निंग वॉक पर जाने लगे तो लोगों ने देखा, फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड को फोन किया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को बमुश्किल बुझा लिया गया। तस्वीर आपके सामने, आप देख सकते हैं बेसमेंट में अभी भी धुआं निकल रहा है। आग लगने की वजह अभी भी साफ नहीं है। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। सर, एक आग लगी है, क्या जगह है यहाँ पर और किस चीज़ का गोदाम है? चौक के पास ये किताबों का बहुत बड़ा गोदाम है और उसमें सुबह 5 बजे आग लगी थी। सूचना मिली और तत्काल जो है हमारे साहिबाबाद दो गाड़ी लेके प्रस्थान हुए, क्योंकि बेसमेंट में थी और काफ़ी धुआं था। नीचे जो है और भी गाड़ियाँ जो है सारी फैलाली और कोतवाली से बना ली गई और आग को बुझा दिया गया है। थोड़ा बहुत दबा हुआ है, धुआं निकल रहा है, उसको भी थोड़ी देर में बुझा दिया जाएगा। सर, टोटल कितनी गाड़ियाँ मंगाई, कितना पानी खर्च हुआ? हमारी 6 गाड़ियाँ जो है यहाँ के लिए आई थी।